दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बता रही हूँ जिससे आपके पेट को कम करने में या पेट की चर्बी को कम करने में आपको मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इनके बेनिफिट यहीं ख़त्म नहीं होते। इससे आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो मजबूत होगी, यानी पेट की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं ना वो मजबूत हो जाएंगी। जब आपकी पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं तो इससे फ़ायदा आपके डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने में भी होता है, जिससे जो भी खाया पिया है वो आसानी से आप पचा सकते हैं। साथ ही आपकी एब्डोमिनल वॉल को बहुत अच्छी मसाज मिलती है। इससे क्या होता है कि सारे आंतरिक अंग, चाहे आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, ये सारे फंक्शन इम्प्रूव होते हैं, इनका फंक्शन इम्प्रूव होता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप एक तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। साथ ही कोई भी आसन का अभ्यास का नाम ले लें, चाहे सर्वांगासन, शीर्षासन, आपके आर्म बैलेंसिंग वाले पोस्चर्स, जितने भी पोस्चर्स हैं ना उनमें आपकी कोर का स्ट्रेंथ यानी आपके पेट की मजबूती बहुत ज़्यादा आपको सहायता करती है उन आसनों को अच्छी तरीके से करने में। और हाँ, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान आपको रखनी होगी कि पेट को जो कम करना है, पेट की चर्बी को कम करना है ना, तो उसके लिए आपको आपके खान पान का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, यानी मॉडरेशन का पाथ चूज करना होगा। ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेट भर के खा लेना है, ना ही अपने आप को भूखा रखना है। इसके बारे में मैं डिटेल में ही जल्दी कोई वीडियो बनाऊंगी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। साथ ही आपको अपनी प्रॉपर नींद का ध्यान देना है कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आप ले रहे हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिख रहा घंटी का निशान है इसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है भू नमन आसन। यकीन मानिए पेट को तो अच्छी मसाज देगा ही, पेट को अच्छी ट्विस्टिंग देगा ही, लेकिन इसके बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में आता है। तो आप कैसे करेंगे इस आसन का अभ्यास? सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने, अपने शरीर के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाएं, दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें। अब धीरे से दोनों हाथों को धीरे 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 छत की तरफ ऐसे उठाएं। ऐसे जब उठा लें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को ऐसे राइट साइड टर्न कर दिया। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को फ्लोर की तरफ ऐसे ड्रॉप करेंगे और धीरे से अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर ड्रॉप करके अपने चेस्ट को इस तरीके से मैट की तरफ या फ्लोर की तरफ ऐसे ड्रॉप किया। ऐसे सांस लिया, फिर से सेंटर आ गए और दोनों हाथों को छत की तरफ खींचा 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 और सांस छोड़ते हुए वापस से अब लेफ्ट साइड टर्न होके दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर ड्रॉप करेंगे और फिर धीरे 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 इस तरीके से अपने माथे को, फोरहेड को मैट की तरफ ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। अब ये तो मैंने धीरे धीरे बता दिया आपको, सांस लिया और सांस छोड़ा, 1, सांस लिया और सांस छोड़ा, 2, फिर सांस लिया और सांस छोड़ा, 2 बार और बताती हूँ, 1, सांस लिया और सांस छोड़ा, 2। अब बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है तो आप पूरा का पूरा अपने हाथ को ऐसे ड्रॉप कर पाएँ, तो जहाँ तक आपकी बाजुओं की स्ट्रेंथ हो वहाँ तक ड्रॉप करें और इस ट्विस्टिंग इफेक्ट को अपने पेट पर, अपने स्पाइनल कॉर्ड को फील करें। ऐसे अगर इतना जा सकते हैं तो इतना जाएं, इतना जा सकते हैं तो इतना जाएं, और फोरहेड को ड्रॉप कर सकते हैं तो फोरहेड को ड्रॉप करें। बस इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस अभ्यास को करना कितनी बार है, तो आप 10 बार, 15 बार या 20 बार राइट कर लें, फिर उसके बाद लेफ्ट कर लें, आपकी क्षमता के अनुसार मिनिमम 10 बार ज़रूर कीजिएगा, तो इसका इफेक्ट पूरे के पूरे पेट पर भी आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड पर भी आ जाएगा।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, सो दैट आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाए। आज की डेट में इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, कनेक्टेड हूँ, उनको अपनी निगरानी में रह के उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से गाइड करती हूँ। और वो हेल्थ कंडीशन चाहे कोई भी हो, जैसे डायबिटीज़ की समस्या, आपको थायराइड की समस्या, PCOD, PCOS, आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आपको नी पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन जैसी समस्या, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर और ऐसी बहुत सी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज, जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से उभरते ही भी हैं और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास करते हैं। अब हम जो दूसरे आसन का अभ्यास कर रहे हैं ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है आपकी एब्डोमिनल वॉल को मजबूत करने के लिए। इसका नाम है नवासन। अब इसके लिए भी दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ गए, सामने देखते हैं। अब एक टेक्निक का ज़रूर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, राउंडेड ना रहे। ऐसे आपने शोल्डर्स को रोल बैक कर दिया ताकि चेस्ट अच्छी तरीके से ओपन हो गया और थोड़ा सा ऐसे लीन बैक हो गए, यानी पीछे झुक गए, और दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब अगर जो लोग दोनों पैरों को एक साथ उठाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, तो वो सिर्फ ऐसे एक पैर उठाएं और होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट को ड्रॉप कर दिया, इसी तरीके से फिर लेफ्ट को, धीरे से लेफ्ट को उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है, अपने पेट पर रखना है, अपनी नाभि पर रखना है। और जो ये होल्ड करने का है, नीचे से पैर को होल्ड करना, पीछे से बॉडी को होल्ड करना, ये ताकत आपके पेट से लगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब 10 सेकेंड हमने राइट से होल्ड कर लिया, 10 सेकेंड लेफ्ट से होल्ड कर लिया। अगर आपकी मजबूती अच्छी है पेट की, तो आप 30 सेकेंड राइट से, 30 सेकेंड लेफ्ट से, या 1 मिनट राइट से, 1 मिनट लेफ्ट से, आप बिल्कुल अपने आप को फ्री कर दीजिए कि जितना कंफर्टेबल है उतना अभ्यास करें। तो अभी मैंने नॉर्मली 10 सेकेंड का होल्ड करके रखा। अब अगर यहाँ पे आपको ये हो जाए, तो आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, शोल्डर्स को वापस से रोल बैक किया, थोड़ा सा लीन बैक हो गए, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके रखा, और फिर धीरे 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 दोनों पैरों को ऐसे उठा लिया, और सामने जो आपके दोनों पैर के बड़े अंगूठे हैं ना, उसको देखते रहें, यानी ऐसे बहुत ज़्यादा पीछे भी ऐसे ना झुक जाएँ, ऐसे पूरा पीछे ना झुक जाएँ, ऐसे सीधे रखें, ऐसे सामने देखें और अपने दोनों पैर के बड़े अंगूठे को देखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। जिनकी नाभि बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाती है ना, नाभि डिग जाना या नाभि का खिसक जाना, बहुत से लोग बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, उसके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। डाइजेशन इम्प्रूव करेगी और पेट की मजबूती बढ़ाएगी। अब बहुत से लोगों के लिए ये दोनों पैरों को उठा लेना थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आप क्या करें, दोनों पैरों को उठाएं, लेकिन एक मॉडिफिकेशन मैं यहाँ आपके बता देती हूँ। धीरे से अपने शोल्डर्स को ऐसे आपने रोल बैक किया, लीन बैक हो गए, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके रखें अपनी बॉडी के सामने, और आप अपने एक पैर को जब उठाएं तो ऐसे घुटने से मोड़ लें। अगर यहाँ पे एक पैर में कंफर्टेबल है, तो यहीं पे होल्ड करके रखें एक पैर से, और अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, पेट का स्ट्रेंथ अलाउ करता है, तो फिर दोनों पैरों को ऐसे उठाएं और होल्ड करके रखें ऐसे। देखा कितना आसान है ना, चीज़ों को जब हम मॉडिफाई कर करके अभ्यास करते हैं, और अगर फिर भी स्ट्रेंथ ना आए, तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे हैमस्ट्रिंग्स के पास यहाँ पे रख लें और होल्ड करके रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। तो किसी भी आसन में जो चैलेंज है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको हम घटा भी सकते हैं। हर एक इंसान का शरीर अलग अलग होता है, तो आप अपने शरीर की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अभ्यास करें, मॉडिफिकेशन करते रहे ना, ताकि चीज़ें आसान हो जाए और आपको मज़ा आए। चलिए अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जिसका कि नाम है पश्चिमोत्तानासन। किस तरीके से अभ्यास करेंगे इसका, इसको इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। तो अपने दोनों पैरों को वापस से ऐसे
अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया ऐसे और दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा। कॉन्फिडेंस रहना आपके अंदर बहुत जरूरी है। मजे से अभ्यास करें, गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को ऐसे छत की तरफ उठाएं। छत की तरफ जब उठाएं तो थोड़ा सा आप पीछे की तरफ झुक जाएं। अब जब पीछे की तरफ झुकते हैं ना तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लेंथन हो जाती है, यानी और सीधी हो जाती है। और जब सांस छोड़े तो धीरे 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 ध्यान पेट पर रखते हुए धीरे 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 ऐसे सामने की तरफ झुकें। ऐसे 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 अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लें और धीरे से अपने हेड को, फोरहेड को घुटने की तरफ करें। इससे क्या होगा कि पेट पे आपके आपके काफी अच्छा दबाव मिल जाएगा। होल्ड करके रखें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस ले धीरे 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 कम अप एंड बोथ योर पाम्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए ना ये जो सामने फॉरवर्ड बेंड करना इतना आसान नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, घबराना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है, जहां तक आपका शरीर अलाउ करे आप वहां तक होल्ड करें। देखिए, सांस लिया, लीन बैक हो गए, हाथों को पीछे की तरफ खींचा, स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन कर दिया और सांस छोड़ते हुए मान लीजिए कि मेरी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, पैर भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँचे और आप मैक्सिमम यहाँ पर जब सामने झुक रहे हैं तो पेट पर दबाव महसूस कर रहे हैं, आप लोअर बैक पर भी खिंचाव महसूस कर रहे हैं और हैमस्ट्रिंग्स पर भी आपके अच्छा खिंचाव आ रहा है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। डजेंट मैटर अगर आपकी चेस्ट आपके घुटने तक पहुँचे, डजेंट मैटर आपका माथा घुटने तक पहुँचे, ये जो है आप अपने आप को बिल्कुल भी असुविधा ना दें, डिस्कम्फर्ट के साथ ना करें और यहाँ तक होल्ड करके अभ्यास करें 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको आप कम से कम, जैसे अभी मैंने 10 सेकेंड होल्ड किया, ये मिनिमम है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करें तो आप 30 सेकेंड या 60 सेकेंड का होल्ड भी बना के ज़रूर रखें। तो इससे ये वन ऑफ द बेस्ट पॉस्चर है, ये सारे वन ऑफ द बेस्ट पॉस्चर है आपके डाइजेशन को, एब्डोमिनल वॉल को मजबूत करने के लिए और पेट की जो चर्बी है उसको कम करने के लिए। अब जो अगले आसनों का अभ्यास कर रहे हैं ना, ये बड़े ही आसान हैं लेकिन चैलेंजिंग भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आराम से ऐसे आप अपने पीठ के बल लेट गए ऐसे मैट पर, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रख लिया। इसका नाम है सेतु बंध आसन या इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज कहते हैं। अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखिएगा, पेट पर रखिएगा, बेली पर रखिएगा, ठीक है। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से अपने हिप को अप करें। कैसे? ऐसे। इससे क्या होगा, आपका पेट एब्डोमिनल वॉल पर आपको इफेक्ट तुरंत नजर आएगा ऐसे। और सांस छोड़ते हुए हिप डाउन, सांस लेते हुए हिप अप, होल्ड करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर दें। इसको आप 3 सेट कर लीजिएगा और हर एक सेट को 10 से 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखिएगा। सांस लें, होल्ड करें और सांसें जब आप पॉस्चर को रोक के रखते हैं तो सांसें नॉर्मल लेते रहें 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। तो आप इसके 3 सेट कर लीजिएगा, हर एक सेट को 10 सेकेंड मिनिमम या 30 सेकेंड या 60 सेकेंड होल्ड करके रखिएगा। अब तो ये हो गया, हमने कर लिया सेतु बंधासन का अभ्यास। अब हम कर रहे हैं लेग रेसेस, डबल लेग रेसेस, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पेट पर पड़ता है और इससे आपके जननांग भी बहुत मजबूत होते हैं, लोअर बैक भी बहुत मजबूत होती है। दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा और धीरे से दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री उठा लिया, ऐसे 90 डिग्री, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ड्रॉप कर दिया। सांस लीजिए गहरी लंबी और दोनों पैरों को धीरे 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 90 डिग्री उठाया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कंट्रोल के साथ, पूरा कंट्रोल अपने पेट पर लगा के रखें मजबूती के साथ ऐसे। सांस लें गहरी लंबी, धीरे 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 उठाया
और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 कंट्रोल के साथ ऐसे 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 ड्रॉप कर दिया। अब बहुत से लोग जब इस आसन का अभ्यास करते हैं तो गलती बहुत करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे ना, ऐसे ऐसे पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे और ऐसे ऐसे झूला झूलेंगे। इस झूला झूलने से यकीन मानिए उनका वक्त बर्बाद होता है, बाकी कुछ तो होता नहीं है। तो इसको क्या करना है, घुटने को आपको सीधा करना है, ऐसे सीधा करके फिर धीरे, तभी तो पैर का जोर जो है वो आपके पेट पर लगेगा। और पेट पर जब आपका जोर लगेगा तभी आपकी एब्डोमिनल वॉल मजबूत होगी और ये पेट को कम करने में आपके मदद करेगा। सांस लिया, धीरे 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 ऐसे उठाया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 कंट्रोल के साथ ड्रॉप कर दिया। अब जो अगले पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन आपको पता है मैं मॉडिफिकेशन हमेशा बताती हूँ ताकि हर एक इंसान इस अभ्यास को कर ले। तो इसका नाम है जठर परिवर्तनासन। अब आपको धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री ऐसे उठाना है छत की तरफ, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए दो पाम की तरफ, राइट हाथ की तरफ ऐसे ड्रॉप कर देना है और लेफ्ट पाम की तरफ देखना है ऐसे। फिर उसके बाद पेट का जो कंट्रोल है उसका इस्तेमाल करते हुए सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों पैरों को अपने लेफ्ट पाम की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें और राइट पाम की तरफ देखें ऐसे। सांस लिया, धीरे से दोनों पैरों को छत की तरफ और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आपने राइट पाम की तरफ ड्रॉप कर दिया। सांस लिया और सांस छोड़ दिया। तो आप इस प्रैक्टिस के 3 सेट कर लें। एक सेट में 10-10 का रिपीटेशन, 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट। अगर 10 बार आपको ज़्यादा लगता है तो 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट कर लें। अब बहुत से लोगों के लिए ये दोनों पैरों को एक साथ उठाना बहुत चैलेंजिंग है या कुछ लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि अभी पेट पर वो मजबूती नहीं आई है। तो आप इसको आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं ज़रा देखिए। आपने आराम से वापस से मैट पर ऐसे लेट गए और दोनों पैरों को ऐसे छत की तरफ कर लिया एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद राइट पैर को ऐसे ड्रॉप करें, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेफ्ट पैर को ड्रॉप कर दिया और राइट शोल्डर लेफ्ट पाम की तरफ अपने सर को घुमा दिया। फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को पहले उठाया फिर राइट पैर को उठाया। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक एक करके ऑल्टरनेट ऐसे ड्रॉप करें ऐसे, फिर उसके बाद सेंटर ऐसे एक एक करके। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। और जब आपको आसानी हो जाएगी, जब आपके पेट की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, तो फिर आप इस तरीके से इस प्रैक्टिस को दोनों पैरों से कर सकते हैं ऐसे। और फिर रिलैक्स करें, दोनों पैरों को ऐसे ड्रॉप करें और शवासन में आराम से लेट जाएं। देखा आपने कितना आसान था ना इन योग आसनों का अभ्यास करना। और इन योग आसनों का अभ्यास अब आप हर रोज करें, क्योंकि देखिए एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन अपने लिए एक घंटे का समय निकालना है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है और इन योगाभ्यासों का अभ्यास करना है। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके पसंद के टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे अपना टॉपिक ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। नमस्ते।